बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस प्रश्न पत्र में मानव भूगोल का परिचय, भूगोल का परिचय और मानव भूगोल के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। और भूगोल क्या है और भूगोल के अंतर्गत आप मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, इसे आप विस्तार से इस लेक्चर के माध्यम से समझना चाहेंगे। जो आपकी प्रथम इकाई है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है आपके अध्ययन की सुविधा के लिए। पहले इसमें हम डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को समझना चाहेंगे, फिर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंटर रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विथ अदर सोशल साइंसेस, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ये आपकी प्रथम इकाई का आधा हिस्सा है, प्रथम भाग हमने इसको इसमें बांटा है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है और भूगोल के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। भूगोल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें जिस तरीके की स्थलाकृति या पृथ्वी प्राप्त हुई है उसमें मानव ने किस तरीके से अपना अंतर संबंध स्थापित किया है, मनुष्य उस पृथ्वी पर किस तरह से रह रहा है, उसने उसको अपने किस प्रकार अपना ताना बाना बुना है और वो क्या क्या क्रियाएं इस पृथ्वी पर उस प्राकृतिक वातावरण के साथ कर रहा है, उसका आपसी अंतर संबंध की बात आप इसके अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। ज्योग्राफी इज ए डायनामिक साइंस, इसका मतलब क्या होता है? गतिशील विज्ञान से अर्थ यह होता है कि भूगोल की विषय वस्तु हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे जैसे हम परिवर्तन, प्रकृति हमारी परिवर्तन करती है, वैसे ही हमारी विषय वस्तु का परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझे कि जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई और पृथ्वी उत्पत्ति के बाद जब मानव जीवन धरातल पर आया, आप जानते हैं, आपने प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ा है कि पृथ्वी हमारी 4.5 अरब वर्ष के आसपास पुरानी है। तमाम सारे फीचर, प्राकृतिक समुद्र, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब मनुष्य की उत्पत्ति से पहले निर्माण हो चुका था इन सब का। और जब मनुष्य इस धरातल पर आया और उसने पाया कि उसके पास किस तरह से रहने के लिए अर्थ है, ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जिसके साथ उसने अपना तालमेल बिठाया और उसने उस पर सारी क्रियाएँ करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे उसकी उन्नति होती गई, जैसे जैसे उसका विकास होता गया, पहले आप जानते हैं कि आदिम युग में मनुष्य कैसे गुफाओं में रहता था, प्राकृतिक वनस्पतियों का यूज़ वो बिना रॉ खाने का उपयोग करता था, उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त वो अपने कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे विज्ञान का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और वो आगे बढ़ता गया और आज हम जिस एरा में जी रहे हैं वो हम कहते हैं कि हम पूरी तरीके से वैज्ञानिक उन्नति प्राप्त कर चुके। तो जैसे ही ये सब विकास होता गया, उस विकास के साथ साथ भूगोल की विषय वस्तु का भी विकास होता गया, भूगोल की विषय वस्तु उसके साथ परिवर्तनशील होती गई। आप इसी को समझें कि जैसे हमने अपना ज्ञान नया प्राप्त किया वैसे ही हमारी विषय वस्तु में इजाफा हुआ, वैसे ही भूगोल और एडवांस होता गया और उसकी विषय वस्तु में हम नई चीज़ों को ऐड करते चले गए। एकमात्र ये विषय इस तरह का है कि जब भी आप परिवर्तन पाएंगे धरातल पर, वो परिवर्तन विषय में भी परिवर्तन होगा। इसलिए हम बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते कि भूगोल एक गतिशील विज्ञान है जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। आप इसको ऐसे देखें कि जब धरातल पर आप देखते हैं विभिन्न स्थलाकृतियां आपको दिखती है और उन तमाम स्थलाकृतियों पर मनुष्य ने अपने सिग्नेचर किए हैं। अपने सिग्नेचर से मतलब है उसने अपना वातावरण का वहाँ निर्माण किया है और उस पर उसने, चाहे वो दुर्गम परिस्थितियां हो चाहे वो सुगम परिस्थितियां हो, उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन प्राकृतिक स्थानों पर अपना सांस्कृतिक वातावरण बनाया है जो मनुष्य ने अपने विवेक से बनाया। प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण में जो बेसिक फर्क है वो यही है, प्राकृतिक वातावरण उस वातावरण को हम कहते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन प्रकृति द्वारा जो सामग्री हमें प्राप्त हुई उसमें मनुष्य ने जब अपना विवेक लगाकर कोई सिग्नेचर किया, जैसे आपको प्रकृति से
ऊष्मा मिली है, मट्टी मिली है, पानी मिला है, लेकिन उस सब को मिलाकर आपने अगर ईंट का निर्माण किया है और ईंट से आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, वो जो निर्माण आपने किया है वो क्या हुआ, वो हुआ वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों का जो मिला जुला जो प्रतिरूप आपको देखने को मिलता है, बेसिक वही हमारे मानव भूगोल का अध्ययन है। तो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो बर्फीले स्थान हो, चाहे वो पहाड़ी स्थान हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे समुद्री स्थान हो, मनुष्य ने किस तरह से वहाँ पर अपनी हस्ताक्षर किए हैं या अपने सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है, आप इन चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए, अगर पहाड़ी पठारी हिस्सा है वहाँ पर भी मनुष्य खेती कर रहा है, समुद्री हिस्सा है तो वहाँ के जनजीवन और वहाँ के समुद्री जनजीवन के साथ में वो उसने अपना जीवन का निर्माण किया है। जहाँ पर बहुत प्लेन मैदान है वहाँ पर वो खेती कर रहा है, आप प्रेरीज, स्टेपीज, ये सब नाम जानते हैं। बर्फीले इलाकों में भी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी मनुष्य अपने एक्सपेडिशन लेके गया है और वहाँ पर भी जानने की कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ पर मनुष्य किस तरीके से निवास कर सकता है या प्रकृति के साथ कैसे वहाँ पर तालमेल बिठा सकता है। प्राकृतिक सारे आपादनों का हमने इस्तेमाल किया, वो चाहे सोलर एनर्जी के रूप में हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पवन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है हम विंड एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समुद्र में जियोथर्मल एनर्जी है जो समुद्र धरातल से नीचे से मिलती है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप देखते हैं कि धरातल से नीचे जो ऊर्जा मिल रही है उसको हम बाहर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने लगे। टाइडल एनर्जी आप जानते हैं कि ज्वार भाटे से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उससे भी बिजली बनने लगी है। तो ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ों से जो हमें मिला है उसका इस्तेमाल हम बेहतर से बेहतर अपने जनजीवन को, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए और अपनी उन्नति के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ये कोशिश हम इसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। जहाँ तक भूगोल का प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफिया इसका लिटरली मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन वहाँ का। ये जो साइंस है बेसिकली जो लैंड फीचर है और उस पर जो निवास स्थान है उसके बारे में, या प्लेनेट अर्थ पर जो भी फिनोमिना आपको मिलता है, जितना आप वहाँ देखते हैं, वो चाहे पर्वत हो, वो पठार हो, वो मैदान हो, वो समुद्री हो, जिस तरह की, चाहे वायुमंडल हो जहाँ पर वर्षा होती है, जिससे ओजोन लेयर हो, आप अच्छे से नाम सुना है आपने इनका, तो इन सब से जिससे मानव का जीवन प्रभावित होता है और मानव उसको प्रभावित खुद भी कर रहा है। आप ये भी देखें, हम आगे चलकर आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि हमने पर्यावरण से हम तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन हम पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका आपसी संबंध हम मानव भूगोल या भूगोल में पढ़ते हैं। अब जहां तक प्रश्न है कि भूगोल शब्द किसने दिया, तो एरिटोस्थनीस एक ग्रीक ज्योग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द को इन्वेंट किया, उन्हीं के नाम से हम जानते हैं कि उन्होंने भूगोल शब्द का आविष्कार किया या भूगोल शब्द दिया। इसी में आप ये देखेंगे कि भूगोल की परिभाषा के रूप में आप देख पाएंगे कि विश्व जितना भी प्राकृतिक आपादानों से या प्रकृति का, पृथ्वी, आप इसको इस तरीके से समझें कि पृथ्वी पर जो भी पाया जाता है उसका जब आप अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी पर जो वर्णन है पृथ्वी का, वो ही भूगोल का अध्ययन है बेसिकली। सबसे पहला प्रश्न हमारा था कि हम कैसे कोई चीज़, मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई और उसकी जब जागरूकता या उसकी क्यूरियोसिटी कहें आप, कि उसकी उत्सुकता सबसे पहले थी कि ये क्यों और कैसे, ये दो प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते कहाँ और क्यों, ये दो प्रश्न बहुत बड़े थे उसके। सबसे पहले उसने देखा कि कहाँ पर कैसे कैसी चीज़ें पाई जा रही, जब तक वो ट्रेवल नहीं करता था, जब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता था, तब तक वो अपने ही प्राकृतिक वातावरण को ये समझता था कि यही है सब कुछ, यही इसके किनारे पर, जैसे नदी घाटियों के किनारों पर सभ्यता उदय हुई और नदी घाटी के किनारों पर जब सभ्यता हमें देखने को मिलती है तो उसे नदी के किनारे की जो स्थलाकृति है उसी के बारे में वो जानता था और उसे लगा कि सभी
पूरी पृथ्वी ऐसी ही प्लेन होगी और उस पर इस तरह की स्थलाकृति होगी, और उसके बारे में वो अध्ययन करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा, शुरुआत में तो वो पदयात्रा से ही जाता था, आपने ट्रेवलॉग देखे होंगे, फाइयान और जो हमारे यात्री आए वो पदयात्रा उन्होंने की, और जहाँ जहाँ वो स्थानों पर गए उन स्थानों का उन्होंने विशद वर्णन किया, और उन्होंने लिखा कि जब मैं दूसरे स्थान पर गया तो वहाँ पर हमें पहाड़ देखने को मिले, उन चट्टानों का कलर इस तरह का था, वहाँ का पानी इस तरह था, वहाँ की वनस्पति इस तरह की थी, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु ऐसे थे, वहाँ के लोग इस तरीके के कपड़े पहनते थे, वहाँ का खाद्य पदार्थ ये था, इसका बहुत अच्छा वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो मनुष्य की सबसे पहली उत्सुकता ये थी कि जब हम अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते तो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का कलर आपको अलग देखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों का बालों का स्टाइल अलग, टेक्सचर देखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, उनकी बोलचाल अलग है, उनके रहने का तरीका, उनका खान पान अलग है। तो ये क्यों है, ये प्रश्न मनुष्य ने जब खोजने की कोशिश की और जब इसका विवरण किया, वो भूगोल की विषय वस्तु बना प्रारंभ में। फिर उसने जब पहुंच गया, जल मार्गों का भी आविष्कार हो गया, तो उसने नए नए स्थानों की खोज की। आप जानते हैं हमारे साहसी नाविक पुर्तगाल से काफ़ी सारे नाविक निकले, और उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक महाद्वीप की खोज की, फिर दूसरे महाद्वीप की खोज की, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन, फ्रेडरिक, आप इन सब नामों को जानते हैं कि इन्होंने नई दुनिया की खोज की, दुनिया के नए नए महाद्वीपों की खोज की। और जब ये खोज करने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि जब हमारे यहाँ पे वास्को डिगामा भारत पर आया और उसने देखा कि यहाँ पर तो मसालों का व्यापार होता है, मसालों की खेती होती है, जबकि यूरोप और वहाँ पर इस तरीके की खेती नहीं होती थी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश थे, गर्म प्रदेशों में इस तरीके की खेती होती है। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो स्थलाकृति वहाँ से भिन्न थी, और उसने बहुत विशद वर्णन किया कि यहाँ के लोग इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ों को उगाते हैं, और ये हमारे लिए किस तरीके से सरप्लस हो सकती है, हमारे नॉलेज में हम इसका कैसे योगदान कर सकते हैं, और उसको उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसका विवरण किया। तो शुरुआत में हम पहले ये प्रश्न का कि कहाँ कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है, फिर यहाँ अगर इस तरीके की क्लाइमेट है तो क्यों है, जब हम क्यों प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, तब हमने और विवरण लिखने की कोशिश की कि इस तरह की ये, और फिर हम इसके आगे और चले, तब हमने कहा कि ये कैसे हुआ, और ये फिर हम इसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक डेफिनेशन का प्रश्न है, आप अपनी पुस्तकों में बहुत विस्तार से परिभाषाओं को देखेंगे, हम यहाँ थोड़ी सी परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत स्पेसिफिक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जब हम फिजिकल फीचर हमारी अर्थ पर होता है और उसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल है, उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमन की एक्टिविटी क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव से उस प्रभाव का क्या वितरण है वहाँ की जनसंख्या पर। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इट इफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय दिस, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कारगर सिद्ध हुए, वो कोल है, वो पेट्रोलियम है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब प्राप्त हमें कहाँ से होता है, ये सब प्राप्त हमें नेचुरल रिसोर्सेस से होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों से ही ये सब प्राप्त होता है। इनका इस्तेमाल हमने कहाँ बेहतर किया और कहाँ हम इनके इस्तेमाल में पिछड़े, जहाँ हमारे पास संसाधन उपयुक्त थे लेकिन हम उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाए वो कम विकसित देश रह गए, और जहाँ पर संसाधन भी थे और उनके पास तकनीकी ज्ञान भी था वो विकसित देश हो गए, और जहाँ पर संसाधन तो हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन संसाधनों का कैसे कैसे उपयोग करें, वो हम विकासशील देशों को के नाम से उनको जानते हैं। तो कुल मिलाकर नेचुरल रिसोर्सेस का वहाँ की जनसंख्या या वहाँ पर रहने वाले निवासियों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, और उसी तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अर्थ पर देखने को मिलता है। सघन पॉपुलेशन जहाँ पर रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर इजीली रिसोर्सेस प्राप्त हैं वहाँ देखने को मिलते हैं, कम ऐसे कम से और विरल की तरफ आप जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप अगर एक पारिभाषिक रूप से इसको जानने की कोशिश करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हम
अपने इन प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य ने अपनी तकनीकी ज्ञान से सर्वाधिक इस्तेमाल किया और किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया, इस सब का वर्णन जब आप करते हो और इस सब को जब आप डिटेल रूप में जानने की कोशिश करते हो, तब आप कहते हो कि हमने भूगोल की शुरुआत की है या मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल की विशेषता ही सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी विषय वस्तु दो जगहों से आती है। एक विषय वस्तु आपको वहाँ से प्राप्त होती है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो एक तरफ से तो प्योर साइंस आप लेते हैं, प्रकृति से जब आपको लैंडफॉर्म मिलता है, प्रकृति से आपको बनी बनाई क्लाइमेट मिली है, सारी नदियाँ, समुद्र, झीलें, वहाँ से ही आपको सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदान जो आपके उद्भव से पहले या मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ये सब बन चुका था, वो हमें प्राकृतिक आपदानों से प्राप्त होता है। अब मनुष्य जब आया धरातल पर, हमारा आप जानते हैं 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास इतिहास है, 4.5 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी है और हमारा इतिहास 5 लाख का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मनुष्य उस प्रकृति और उस पृथ्वी के आगे कितना बौना है। लेकिन हमने, हमारे लिए इस पूरे कार्यकाल में इस पृथ्वी ने वो सारी वस्तुओं का निर्माण किया जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक था, जो अलग अलग तरह की आप देखते हैं कि यहाँ पर जलवायु अलग अलग तरह की है, पहाड़ अलग हैं, पधा अलग हैं, आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं कुछ इलाकों में, ये पूरी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया इसको इंडिकेट करते हैं। आप जब पृथ्वी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ते हैं तब आपने ब्रह्मांड उत्पत्ति भी पढ़ी होगी, पृथ्वी के ही साथ मंगल का भी उद्भव हुआ, उसी के साथ शनि भी आया, उसी के साथ बुध भी आया, लेकिन जनजीवन आपको कहाँ देखने को मिलता है? जीवन अभी तक हम जितना ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उतना जीवन केवल पृथ्वी पर मिलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर, पृथ्वी ने ऐसा पर्यावरण का निर्माण किया जिस पर्यावरण पर मनुष्य बहुत आसानी से जिंदा रह सकता है। वो रह सकता है इसलिए क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण हमारा इस प्रकार से बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि इस पर्यावरण का हमने अविवेकपूर्ण जब इस्तेमाल किया और हमने अपना इंटरफेरेंस बहुत बढ़ाया, जब हमने अपना हस्तक्षेप ज़्यादा किया बगैर प्राकृतिक वातावरण को जाने, तब हमने उसमें मुश्किलात पैदा किए और तब हमने कहा कि अब प्राकृतिक वातावरण बिगड़ने लगा है। आप यहीं पर इसको, भूगोल के अध्ययन को क्यों करना आवश्यक है, इसकी उपयोगिता आप यहीं पर समझते चले कि जब तक हम प्राकृतिक वातावरण को विशुद्ध रूप से नहीं समझेंगे कि प्रकृति ने इसका निर्माण कैसे किया, तब तक आप इस बात को नहीं जान सकेंगे कि हमें प्राकृतिक वातावरण के साथ रहना कैसे है, उसके साथ अपना इंटरेक्शन या उसके साथ अपना अंतर संबंध कैसे बनाना। आप किसी के भी साथ जब संबंध बनाएंगे तो आप उसको बगैर जाने उसके साथ अंतर संबंध कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि हमें सब कुछ इजीली मिला हुआ था, हमने उसको बगैर जाने, बगैर समझे उसके साथ अपना सिर्फ एक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन हमने उन प्राकृतिक आपदनों या उन संसाधनों को समझा और हमने जितना कोल अंदर पृथ्वी के अंदर डिपॉजिट था, जितना पेट्रोलियम ऑयल था, उन सब को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमने पूरा शोषण कर लिया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक पूरा पिलर खड़ा कर दिया। और आज आते आते तक हम कहने लगे कि अब अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम नहीं किया और हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो हो सकता है कि 100 साल में, स्टीफन हॉपकिंस भविष्यवाणी करते हैं कि 100 सालों में हमें दूसरे ग्रहों की तरफ देखना पड़ेगा कि मानव जीवन इस धरातल पर रहेगा भी या नहीं रहेगा। ये प्रश्न क्यों आया या ये स्थिति क्यों आई, इसको, इसका सारा उत्तर आप भूगोल के इस विषय वस्तु या मानव भूगोल में पा सकते हैं कि हमने प्रकृति के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया और किस तरीके से उसका शोषण करके हमने अपने पूरा अपना जहां खड़ा किया और हम कहने लगे कि हम विकास से और विकसित, विकसित से और विकसित होते गए। लेकिन आपका निवास तो, घर तो आपका पृथ्वी ही है ना, वही वायुमंडल है, वही जलमंडल है और वही स्थल मंडल है। आप बगैर उसके इस धरती पर चाहे कितना वैज्ञानिक उन्नति कर ले, आप धरती पर रह नहीं सकते बगैर उसको जाने या बगैर उसको समझे या उसकी क्रिया कलापों को बगैर जाने। तो जब तक आप इस चीज को
बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे कि हम कैसे इसके साथ में अपना अंतर संबंध स्थापित करें, तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि वर्तमान जिस तरह की समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो। इसी के साथ हम ये इस आपका प्रथम ब्रेक लेते हैं। हम आगे की इस अंतराल के बाद आपसे बात करेंगे इस पर आगे। फिर से स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में हमने कैसे तालमेल बैठाया और कहाँ हमसे चूक हुई। आज समय जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और टिकाऊ विकास की बात करते हैं, तब हम कोशिश इसी बात की करते हैं कि हम अब अपने प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से जाने और बेहतर ढंग से हम समझें और कोशिश करें उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करने की कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हम भी उसके साथ में अपना विकास आगे को कर सकें। तमाम जितनी हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आपके धरती के प्रदूषण, इन सब प्रदूषण का जो सामना कर रहे हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अब हमें इसकी कोशिश करनी होगी। परिभाषाओं की जहाँ तक बात है, आप पीटर हैगेट का नाम जानेंगे। पीटर हैगेट ने भी एक परिभाषा दी है, ज्योग्राफी इज ए साइंस दैट डिस्क्राइब द अर्थ सरफेस, जो धरातल का विवरण करती है, पर्टिकुलर रेफरेंस टू डिफरेंशिएशन एंड रिलेशन ऑफ एरिया। डिफरेंशिएशन मतलब सबसे ज़्यादा कि जब आप पूरी ग्लोब को आप जानने लगे हैं, आप देखने लगे हैं, एक दृष्टि में आप धरातल को देख सकते हैं, ग्लोब को ऊपर से देख सकते हैं, जब से हम सैटेलाइट का आविष्कार कर चुके हैं, तब आप देखते हैं कि ये विभिन्नताओं से भरी हुई हमारी धरती है। कहीं उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं पानी है, कहीं आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये विभिन्नता क्यों है और ये विभिन्नता में मनुष्य ने कैसे अपना घर बनाया या कैसे निवास स्थान को बनाया और इन विभिन्नताओं का आपस में क्या अंतर संबंध है, जब इनका अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन पीटर हैगेट के अनुसार हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर डी डब्ल्यू जॉनसन ने दिया कि ज्योग्राफी इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स टू इट। जितना भी फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट है और उसके साथ हम किस तरीके से रिलेशनशिप कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके साथ में, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। एक वॉशिंगटन की एडॉक कमेटी है, उन्होंने बहुत विस्तार से इसको परिभाषित किया है। मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाह रही थी ये परिभाषा, कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी एरियल डिफरेंशिएशन, जैसे हमने पहले बात की कि आंतरिक अंतर संबंध, जितनी भी इसमें विभिन्नताएं हैं अर्थ सरफेस पर, उसकी कैरेक्टर क्या है, उसका उसकी विभिन्नताओं की क्या विशेषताएँ हैं और उसको उसके साथ हमारा अंतर संबंध जो है उसका इंटर रिलेशन क्या है और उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। खासकर क्लाइमेट एक बेसिक एलिमेंट है, रिलीफ जो दूसरा, धरातल का उच्चावच जो आपको देखने को मिलता है, वेजिटेशन आप देखते हैं कहीं भी एक भी तरह के पेड़ एक जगह जो है वो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। पहाड़ों पर आपको कोणधारी वन मिलते हैं, यहाँ पतझड़ वन मिलते हैं मैदानों में, और समुद्र पर आपको लंबे और कोण नुकीले वन मिलते हैं। तो ये वेजिटेशन में डिफ्रेंसिएशन क्यों है, वहाँ पर रहने वाले निवासी अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ का धरातल अलग देखने को मिलेगा और उस पूरे इस पूरे परिवेश में मनुष्य ने जो अपनी औद्योगिक उन्नति की है या मनुष्य ने जो उन्नति की है वो अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगी अलग अलग स्थानों पर। तो इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जब आगे चल के हम इसमें और देखेंगे इस बात को कि ये सारा अंतर संबंध बहुत जटिल है, ये बहुत आसान नहीं है इसको समझना और इसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने नहीं समझा, इसी के लिए हम आज जिस पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो केवल इसीलिए कि हमने इसकी जटिलता को, इसके एक सिरे को नहीं समझा है, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल हुई है। तो ये पूरा सारी बातें समाहित करते हुए एडॉक कमेटी ने, वॉशिंगटन की एडॉक कमेटी ने इसको परिभाषित किया है।
इसमें जब हम इंडिकेशन कर रहे हैं तो इंडिकेट फिजिकल एनवायरनमेंट, अर्थ एंड हाउ इट इज रिलेटेड इन हैबिटेट द पीपल, वहाँ के लोगों के साथ में उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा है और वहाँ के लोग अपने प्राकृतिक वातावरण से किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, ये भी हम इसमें बात करते हैं। जब हम बात ही कर रहे हैं कि मेन इज आर्किटेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट इस पूरे सरफेस को बनाने के लिए, अर्थ ने तो सब कुछ बना के हमें दे दिया लेकिन जो उस पर कल्चरल एटमोसफियर जो क्रिएट किया उसका आर्किटेक्ट तो मेन ही है। ही बिल्ट टाउन्स, जितने भी शहर आप देखते हैं, सिटीज और प्रोवेंसेस जितने देखते हैं, इन सब को, और ट्रांसपोर्टेशन, आप तो जेट चलने लगे, विमान चलने लगे, तो पहियों से लेकर हम आज तक की जहां उन्नति हमने की वो, और हम क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोड्स हमने बनाई, रेलवेज बनाई, इरिगेशन सिस्टम बनाया, तो अपनी सुविधा के लिए हमने इस अर्थ पर जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी कुछ निर्माण किया है, उन सब का अध्ययन आप ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। आप इसको और बेहतर ढंग से समझ लें इसी बात को कि हमारा ये घर है। इसी को हार्टशोन ने, इसमें हार्टशोन ने अपनी परिभाषा दी, और सबसे ज़्यादा जिसको हम वर्तमान उसके वैज्ञानिक कहते हैं, भूगोलवेत्ता कहते हैं, जो 19वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता है हार्टशोन, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संबंध, एक तो टेम्पोरल साइंस है, एक सबसे प्रमुख उनकी विशेषता ये थी परिभाषा की कि हम कालिक विवरण करते हैं भूगोल में कि पहले क्या था, आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा और ये कैसे कैसे चेंज हुआ, जब हम टेम्पोरल स्टडी उसकी करते हैं। उसी के साथ में हम इसका अध्ययन इस तरह से भी करते हैं कि हमने क्या परिवर्तन किया और वो परिवर्तन किन कारणों से हुआ, पर्यावरण के किन तत्वों के कारण हम इस परिवर्तन को पाते हैं, ये आपसी अंतर संबंध और इसका कालिक विवरण हार्टशोन की इस परिभाषा में हम प्राप्त करते हैं। इसी में हम कहते हैं कि पृथ्वी, ये पृथ्वी जो हमारे रहने के लिए है उसमें हमने अपने कैसे हस्ताक्षर छोड़े हैं और किस तरीके से हमने उसका अंतर संबंध बनाया है, वो सब विषय वस्तु हमारी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अब आप इतना इस सारे परिभाषाओं से और इस सारे विवरण से आप समझ गए कि ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी मतलब आप पहले, सिस्टमेटिक स्टडी जब आप कहते हैं तो हम किसी एक एरिया के बारे में उसको या तो हम रीजन बना के करते हैं या फिर हम वहाँ का स्टडी करते हैं कि वो कहाँ स्थान है, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वहाँ पर किस तरीके के क्लाइमेट है, वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन प्राप्त होती है, वहाँ का रॉ मटीरियल अगर क्या मिलेगा, अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ के लोगों का जनजीवन क्या है, लोग वहाँ किन प्राकृतिक उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका पोशाक उनकी क्या है, वो खाते किन तरह की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक वातावरण से मिलेगा वही खाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जब हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, एस्किमो अपने घर किस तरीके से बना के रहते हैं, इग्लू बना के रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक उस वातावरण में वो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, याक के दूध का इस्तेमाल करते हैं, याक की खाल से उनके कपड़े बनते हैं और उसी तरीके के सारे उनके खान पान होंगे जो वहाँ पर, स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस गाड़ी से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध मनुष्य की सामग्री होगी उसी से, उसी का इस्तेमाल वहाँ पे करेगा। आपने कितनी भी उन्नति कर ली हो, आप उत्तरी ध्रुव पर जाकर ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ पर जाके सूती कपड़े पहनेंगे, आपकी मजबूरी है वहाँ पर कि उस वहाँ का प्राकृतिक वातावरण आपको डिराइव करता है कि आप वहाँ क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे और किस तरीके के घरों में रहेंगे। आपको लगे हमने इतनी उन्नति कर ली है अब हम उत्तरी ध्रुव में पत्थरों का मकान बना के रहेंगे, हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, आप रह नहीं सकते वहाँ पर। तो मनुष्य चाहे कितनी वैज्ञानिक उन्नति कर ले, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण उस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके के घरों का निर्माण करेगा, वो किस तरीके की वनस्पति के साथ में अपना खाद्य पदार्थ वहाँ से प्राप्त करेगा, वो किस तरीके के कपड़ों को पहनेगा और किस तरह की गतिविधियों को वहाँ पर करेगा। तो ये
सारी वस्य वस्तु का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत विस्तार से करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्पेशल पैटर्न ऑफ ऑल फिनोमिना ऑन और नियर द अर्थ सरफेस. ऑन जो अर्थ सरफेस पे है वो और उसके नियर, मतलब जलमंडल भी हमें प्रभावित करता है, तो जलमंडल पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियाँ, उसमें अब तो आप जानते हैं कि जलमंडल से हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, वहाँ के टाइडल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमें प्रभावित कर रहा है और उससे भी हम प्रभावित कर रहे हैं. तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, वायुमंडल की ओजोन लेयर के छेद के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है. तो जब वायुमंडल की सारी परतें हमें प्रभावित करती है, उन परतों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं कि वो हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं. इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, एक साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं. साइंटिफिक स्टडी कैसे कहेंगे कि आप कार्य कारण संबंध बता रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ. जब दोनों का इंटर रिलेशन आप बता रहे हैं, कार्य कारण संबंध जब स्थापित कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये साइंटिफिक स्टडी है और उसका डिटेल वर्णन कर रहे हैं. जब आप डिस्क्रिप्टिव वर्णन कर रहे हैं कि आखिर ये यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ ये क्यों हो रही है और इसको कौन कौन प्रभावित कर रहा है और इसको हम किस तरीके से खुद भी प्रभावित कर रहे हैं और ये पूरे ग्लोब पर या पूरी धरातल को या पूरी मानव जाति को किस तरह से प्रभावित कर रही है, जब हम इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं कि हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं. अब जो अगर आप इसकी खुद परिभाषा देने की स्थिति में है कि ज्योग्राफी इज इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट, लोग और वहाँ का जो पर्यावरण है, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तो हमारा पर्यावरण बनेगा और उसी पर्यावरण के अध्ययन को हम भूगोल की विषय वस्तु कहते हैं. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पेशल जो है और लोकल वेरिएशन. आपने देखा होगा कि जितना आप तो आप सारे महाद्वीप और महासागरों का जब अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग है, अफ्रीका की स्थलाकृति आपको एशिया से अलग मिलेगी, भारत आपको भूटान से अलग देखने को मिलेगा जब आप प्रादेशिक रूप से अध्ययन करते हैं या राजनीतिक इकाई के रूप में आप अध्ययन करते हैं. हालांकि प्राकृतिक रूप से जब हम पूरी पृथ्वी को अध्ययन करते हैं तो हम इस तरीके के बाइफर्केशन में नहीं बांटते या इस तरीके के उसकी अलग अलग उसमें नहीं बांटते भागों में, लेकिन हम अगर प्रादेशिक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक जगह दूसरी जगह से अलग है. आप राजस्थान की जब बात करेंगे और मध्य प्रदेश जब आपके दिमाग में आएगा तो दोनों आपको अलग देखने को मिलेंगे. जब आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो डेजर्ट आपके दिमाग में आता है और जब मध्य प्रदेश के बारे में आप सोचते हैं तो प्लेट्यू आपके दिमाग में आता है कि एक पठारी हिस्सा है, नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है और वही यहाँ की भू आकृति बनाती है. लेकिन जब आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो आपको मरुस्थल आपके दिमाग में आता है. तो ये जो स्पेशल जो वेरिएशन है, जो स्थानिक विभिन्नताएं हैं, वो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहाँ की आप बात कर रहे हैं, किस लेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, किस लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, आप उत्तरी एरिया की या उत्तरी गोलार्धों की बात कर रहे हैं तो वहाँ की क्लाइमेट अलग होगी, आप दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो वो अलग होगा. दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि लैंड वाला हिस्सा आपको उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलेगा और जब दक्षिणी गोलार्ध में मिलेंगे तो पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, समुद्र का विस्तार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो क्लाइमेट भी दोनों की आपको देखने को अलग मिलेगी. तो ड्राइव कौन कर रहा है यहाँ पर, बाकी सारे फैक्टरों के साथ में जल भी उस वहाँ की क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है कि जब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि लेब्राडोर की जब ठंडी जलधारा यहाँ पे मिलती है तो वहाँ का मौसम वो ठंडा कर देती है, ऐसे ही गर्म जलधारा जब ठंडे प्रदेशों में पहुँचेगी तो वहाँ की मौसम को वो सम करने की कोशिश करती है. तो इस तरह से जब हम स्पेशल पैटर्न वहाँ का देखते हैं या स्थानिक विभिन्नताएं देखते हैं तो स्थानिक विभिन्नताओं को किसने बनाया, वो प्राकृतिक वातावरण ने बनाया और वो किस प्रकार बनाया,
और ये स्थानिक विभिन्नताएं वहां पर बन कैसे रही हैं और वो हमारे मनुष्यों के जनजीवन को प्रभावित कैसे कर रही हैं और वो प्रभावित करने के साथ साथ वहां का जो मानवीय वातावरण है जो हमारा फीचर बनाया है पूरा या हमारी पूरी उन्नति या टेक्नोलॉजिकल ज्ञान से हमने उसमें जो बदलाव किए हैं वो हमने कैसे किए हैं और कैसे हम आगे का फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, ये सारा अध्ययन आप इस वेरिएशन के साथ में करेंगे और इसके साथ आप अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं हम कि भूगोल सारे विषयों की मदर है या जननी है। सारे विषयों का ज्ञान अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो भूगोल की विषय वस्तु से ही प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक आप किसी जगह का अध्ययन उस स्थान को नहीं जानेंगे, वहाँ के जलवायु नहीं जानेंगे, वहाँ के लोगों को नहीं जानेंगे, तो हम आगे का अध्ययन नहीं कर सकते। तो सभी विषयों की विषय वस्तु आपको भूगोल से प्राप्त होती है, इसीलिए बहुत विशिष्ट सब्जेक्ट माना जाता है या विषय, इसको इस दृष्टि से भी आप अध्ययन कीजिए। हमने पहले भी बात की कि व्हाट इज एंड व्हाई और वेयर, कहाँ पर क्यों है, क्या है और कहाँ है, इसका उत्तर हम भूगोल में पाते हैं और वो खासकर मानव भूगोल में हम उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हम मानव भूगोल के स्पेसिफिक बात करें जब, और हम ये कहें कि मानव भूगोल में आप किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, उस मानव भूगोल में खासकर हम ये देखेंगे कि मनुष्य इस पूरी विभिन्नताओं से भरी हुई पृथ्वी पर कहाँ पर रह रहा है और कैसे रह रहा है। मनुष्य का अगर आप पूरा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे ग्लोब पर देखेंगे तो आपको विभिन्नताओं से भरा हुआ देखने को मिलेगा। कुछ स्थान या कुछ महाद्वीप आपको ओवर पॉपुलेटेड दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे जनसंख्या आधिक्य है, जहाँ पे अधिक जनसंख्या है। अधिक जनसंख्या किस रेफरेंस में कह रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को कम या अधिक कहते हो तो किसी रेफरेंस में कहते हो। तो हम जब जनाधिक के कह रहे हैं तो हम किस बात के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहाँ पर उपलब्ध संसाधन जो हैं उन पर जो मनुष्य की निर्भरता है उसकी संख्या में मनुष्य ज़्यादा है। जैसे हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, वहाँ पर जितने संसाधन हैं उससे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए हम कहते हैं कि घनत्व ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब एक किलोमीटर एरिया में कितने मनुष्य रहते हैं। तो जहाँ जनाधिक्य है या जनसंख्या अधिक है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ जनाधिक्य है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बराबर का है कि वहाँ जितने संसाधन हैं उतने ही मनुष्य निवास कर रहे हैं, इसलिए वो विकसित हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या का अपने संसाधनों के साथ ऑप्टिमम यूज़ किया है, अधिकतम उपयोग उन्होंने अपने संसाधनों का कर लिया है, इसलिए वो विकसित हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ संसाधन तो बहुतायत में है लेकिन मनुष्य भी हैं वहाँ, लेकिन उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनको हम अल्प विकसित या कम विकसित कहते हैं। खासकर आप अगर नज़र दौड़ाएंगे अफ्रीका महाद्वीप पर या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर, तो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का बहुत इलाका ऐसा है जो खाली पड़ा हुआ है, निर्जन है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करता। सबसे कम डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका में और आपका दक्षिणी अमेरिका में वहाँ जनसंख्या तो है लेकिन वहाँ पर तकनीकी ज्ञान नहीं पहुंच पाया इतना कि वहाँ के संसाधनों का वो सर्वाधिक उपयोग कर पाए। अब धीरे धीरे वहाँ तकनीकी ज्ञान पहुंच रहा है और अब वो धीरे धीरे विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप यूरोपियन देशों से उनकी तुलना करें या अमेरिका से आप उनकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि वो अभी कम विकसित देश है। तो जब आप इस तरीके के विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो अब आप मानव भूगोल की विषय वस्तु को बनाते हैं। तो वहाँ मनुष्य कैसे हैं, जनसंख्या कैसे निवास कर रही है, इसी में आप आगे चल के अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वो चाहे जॉब के लिए जाती है, वो चाहे सुरक्षा के लिए जाती है, वो चाहे अपनी चॉइस के लिए जाती है, वो चाहे थोड़े दिन घूमने के लिए जाती है, जब स्थानांतरण होता है जनसंख्या का या जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं, तो माइग्रेशन के भी कई कारण हैं और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जा रहा है उनका भी अध्ययन जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं तो वो मानव भूगोल की विषय वस्तु बनता है कि हम क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, किन कारणों के कारण जा रहे हैं और उससे हम क्या इनरिच हो रहे हैं,
कैसे हम अपनी एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से आदान प्रदान कर रहे हैं और कैसे हम अपना ज्ञान को विस्तारित कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जब हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचता था? जब तार का आविष्कार भी नहीं हुआ, एक ज्ञान एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता था और वो बताता था कि वहाँ पर इस तरह की समस्या का ये समाधान इस तरह से किया जाता है, तो दूसरे के ज्ञान में वृद्धि होती थी। फिर वो जाके कहीं और जाके बताता था तो ज्ञान में और आगे वृद्धि होती थी। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ प्रारंभिक में, इसको हम विस्तार से देखते हैं। एक छोटे अंतराल के बाद मिलते हैं फिर से। स्वागत है आपका पुनः। इस तरह से आप मानव भूगोल की विषय वस्तु को बनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं अपने एरिया के साथ में या वहाँ की जगह के साथ में, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पूछती है आपसे कि वहाँ का लैंडस्केप को आपने कैसे बिल्ड किया। आप बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, आप सिंगापुर देखें, हांगकांग देखें या बड़ी इमारतें, हमने अपना जब हॉरिजॉन्टल पृथ्वी हमारे पास कम पड़ने लगी, हमें लगा कि अब इतनी सारी जनसंख्या का निवास स्थान के लिए ये धरती कम पड़ सकेगी, तो हम वर्टिकल बढ़ने लगे और वर्टिकल हमने अपना विस्तार किया। आप देखेंगे कई शहर आपको वर्टिकल विस्तार के साथ देखें, मल्टी स्टोरीज जितनी है वो हमारा वर्टिकल विस्तार ही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमने ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का इंटरेक्शन इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ में किस तरीके से अपने भौतिक वातावरण के साथ में अपने सांस्कृतिक वातावरण को बनाया है। एक लैंडस्केप आपको मिला प्राकृतिक वातावरण से, उसी में आपने किस तरह से खेती करना शुरू किया और उसका लैंड यूज, खासकर जब आप भूमि उपयोग पढ़ेंगे तो हमने उस भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार किया, इन दोनों का संबंध ही मानव भूगोल है। आप इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को देख सकते हैं अलग अलग कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी इन दोनों का इंटर रिलेशन है। और जब आप मानव भूगोल को देख रहे हैं और आप भौतिक भूगोल को देख रहे हैं, तो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस आपके फिजिकल एटमॉस्फेयर से बनता है और सोशल साइंस ह्यूमन ज्योग्राफी से बनता है। तो आप एक तरफ तो साइंस है और एक तरफ आप सोशल साइंस है, दोनों के बीच में ब्रिज का कोई काम करता है तो वो ज्योग्राफी करता है। और यही इस डायग्राम से समझाने की चेष्टा की गई है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट मैटर भी ज्योग्राफी से आता है और प्योर साइंस का सब्जेक्ट मैटर भी ज्योग्राफी से आता है। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड की हम और आगे डिटेल में बात करेंगे तो कल्चरल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब विषय वस्तु आपको ज्योग्राफी से मिलेगी और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप बायोज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेटरोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब आपकी किस में आएगी? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगी। हम जो आपका फील्ड है उसमें इसी की बात करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाह रही थी कि एरिस्टोटल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पहली बार बताया कि हमारी अर्थ स्फीयर है। उसके पहले तो चपटी माना जाता था पृथ्वी को। फिर इरेटोस्थनीज पहले पर्सन है जिन्होंने ये बात कही, एक्यूरेट कैलकुलेट किया और उसकी ज्योमेट्री बताई और इस बात को बताया कि किस तरीके से उसका सर्कमफेरेंसेस है। उनके द्वारा बनाया गया एक मानचित्र आप देखें, इस मैप को आप जब भी देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि ये इन्होंने एरिस्टोटल के द्वारा बनाया गया है। फिर टॉलेमी हैं जिन्होंने पहली बार लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा पहली बार टॉलेमी ने की। ये टॉलेमी के द्वारा बनाया गया मैप है जिसमें उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई। ये दुनिया का पहला मैप माना जाता है जिसमें हम कहते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं उन्होंने बनाई। अली द्रिसी अरेबिक ज्योग्राफर थे और ये सिसली के राजा भी थे। इन्होंने पूरा एक्यूरेट क्रिएट किया
कि किस तरह से अर्थ होगी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम थॉट में पढ़ते हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये मानचित्र है, काफ़ी डिटेलिंग के साथ बनाया है इन्होंने, फिजिकल फीचर भी इसमें बनाने की कोशिश की कि कहीं वनस्पति है, इस तरह से कुछ धरातल के उच्चावच भी बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद ऑटलिस ने बनाया ये, इन्होंने पहली बार एटलस बनाया, एटलस इसीलिए इनको थिएटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फिर स्कोप, अभी तक हम जितनी चर्चा करे हैं वो स्कोप के ही बारे में करे हैं कि भूगोल का स्कोप किस तरह से है और उसकी विषय वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे, उसको आप समराइज अगर आप करने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि हम लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर, इसके बाद हम इन सब से मिलकर जो हमारा इकोस्फियर बनता है, तो इन सब की मिलाकर जब हम चर्चा करते हैं तब हम भूगोल की विषय वस्तु को पूर्णता के रूप में प्राप्त करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं भूगोल, मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत, कि इन सारे अंगों से लेकर मनुष्य ने अपने जीवन को कैसे सुगमतापूर्वक बनाया है। आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को विस्तार से समझने की आपने कोशिश की होगी। ये हमारी प्रथम इकाई का आधा भाग है, इसका आधा भाग हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन इसको आप और विस्तार से पढ़ें और आप ये कोशिश करें कि हम मनुष्य के आपसी अंतर संबंधों को, प्राकृतिक वातावरण से जो प्राप्त सामग्री है उसके साथ मनुष्य ने कैसे तालमेल बिठाया, उसका विकास कैसे हुआ, वही हमारे मानव भूगोल का मुख्य रूप से अध्ययन का केंद्र रहेगा। इसमें आप परिभाषाओं को विकसित रूप से विस्तार से अध्ययन करें अपनी प्रथम इकाई में, और उसी के साथ में उसका आपसी अंतर संबंधों को आप बनाने की कोशिश करें, स्कोप, विषय वस्तु और उसके साथ में उसका विकास, ये आपने इसमें देखने की कोशिश की है। अगली इकाई में हम इसका इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे और इसका विकास भी थोड़ा सा उसके अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि हम आप इन परिभाषाओं और इस विस्तार के साथ में मानव भूगोल क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और मानव भूगोल को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, उसके बारे में आपने ये जानने की कोशिश की होगी। आप इसका और डिटेल के साथ अपनी पाठ्यपुस्तकों के साथ अध्ययन करें और आप इसके नोट्स बनाएं और इसको लिखने की कोशिश करें और ये देखें। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।